क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। संकल्प रैली का आगमन पठारी गांव में हुआ। बीते 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई, जिसमें देश के कोने कोने में उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। लेकिन इस जयंती के क्रम की मोदी सरकार ने गांधी के सपनों को स्वच्छ भारत निर्माण के लिए संकल्प रैली का आयोजन किया है, जो भारत के प्रत्येक विधानसभा के गांवों में जाकर पॉलीथिन मुक्त शहर, पर्यावरण को होने वाले हानिकारक प्रदूषण की जानकारी प्रदान करने का कार्य कर रही है। जहां रैली बांधवगढ़ विधानसभा पहुंची, जहां भाजपा प्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता ने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर प्लास्टिक मुक्त भारत की शपथ दिला रहे हैं। ये हमारी महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर की जयंती, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हमारी ये संकल्प यात्रा निकली है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धे अमित शाह जी के निर्देशानुसार भारत के कोने कोने पर हमारे सभी संसदीय क्षेत्रों में ये यात्रा निकल रही है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने ग्रामवासियों को, अपने नगरवासियों को स्वच्छता की ओर प्रेरित कर सके। महात्मा गांधी जी की जो सपना था कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करूंगा जिसमें बच्चा से बच्चा ये महसूस कर सके कि उसका देश है, ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए महात्मा गांधी जो संकल्पित थे, उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज गाँव गाँव, नगर नगर, डगर डगर जा रही है और इस स्वच्छता का संदेश दे रही है। एकल उपयोग की जो पन्नियाँ हैं, इसका हम बहिष्कार करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, ये तमाम चीज़ों का संकल्प आज गांव-गांव में लिवाया जा रहा है। और हमारे आदरणीय विधायक जी लगातार इस संदेश यात्रा के माध्यम से बांधवगढ़ विधानसभा, उमरिया जिले की इस बांधवगढ़ विधानसभा में लगभग प्रत्येक गांव में इनका जाना हो रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इनके साथ आज इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर मिला, और एक ऐसे गाँव में आने का अवसर मिला, पठारी गाँव, जो भारतीय जनता पार्टी को बोरा भर भर कर बोर्ड दे। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।